चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे आप लास्ट टॉपिक बता दीजिए मिरर हम लोग को पढ़ाना है देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमको मिरर को समझना पड़ेगा क्यों क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसी से करवाएंगे किसे करवाएंगे देखिए रिफ्लेक्शन लाइट का हर एक ऑब्जेक्ट से होता है कुछ ना कुछ पार्ट लेकिन आप रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कहां पे कर पाओगे जैसे दीवार से चेहरा से कोई भी ऑब्जेक्ट से ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है इससे भी इससे भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि लाइट आ रहा है ट्यूबलाइट से इससे लाइट आया इससे टकराया और टकरा के कहाँ गया आपके आई पे गया तो इसका इमेज आपके आई में बना लेकिन इससे क्या हंड्रेड परसेंट जितना ठीक है तो ये ब्लैक कलर का है ना तो ब्लैक कलर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को मैक्सिमम क्या करता है, करता है। बहुत ही पार्ट में वो रिफ्लेक्ट करता है तो आपको इससे आइडिया क्या मिल रहा है कि इसका मतलब रिफ्लेक्शन सबसे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से आप ले लो रिफ्लेक्शन सबसे होगा बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लो रिफ्लेक्शन सबसे होगा लेकिन बेटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तभी हमारा समझना में आसान हो जाएगा उस रिफ्लेक्शन को अच्छे से हमको ऑब्जर्व करना है तो हम किस क्या सहायता से यूज कर सकते हैं उसको मिरर तो ये मिरर क्या है सबसे पहले तो यही सवाल है ना कि मिरर है क्या जिससे हम रिफ्लेक्शन करने वाले हैं तो मिरर कुछ नहीं अ पीस ऑफ ग्लास होता है इसको क्या बोल सकते हैं अ पीस ऑफ ग्लास अ पीस ऑफ विच हैविंग विच हैविंग वन कलर्ड सरफेस

उसी को मिरर बोलते हैं अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आया कैसे तो जैसे देखो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फ्लैट ग्लास का टुकड़ा है कैसा टुकड़ा है इसको आप ऐसे मान लो कि जैसे मोबाइल फोन है ना तो इसको मान लो कि ग्लास का एक टुकड़ा है ग्लास इतना मोटा होता है ऐसा और इसके एक सरफेस को आप क्या करो कि सिल्वर से पॉलिश कर दो किससे पॉलिश कर दो तो सिल्वर से जब इसको पॉलिश कर देंगे तो इधर से लाइट को हम भेजेंगे तो लाइट से निकल नहीं सकता है फिर अभी जैसे अगर ये ग्लास का प्लेट है कलर किया हुआ नहीं है तो इधर से लाइट को हम पास कराएंगे या भेजेंगे तो इधर से लाइट निकलेगा ना लेकिन जब इधर से हम पॉलिश कर देंगे किससे तो अब इधर से लाइट भेजेंगे तो इधर से निकलेगा नहीं निकलेगा कारण तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि इसको पीछे से हम क्या कर देते हैं कलर कर देते हैं और कलर किससे करना होता है सिल्वर से अब इस पे तुम लाइट को यहां से इंसिडेंट कराओ लाइट को भेजो तो ये लाइट यहां से टकरा के वापस आ जाएगा ये पीछे साइड नहीं जा पाएगा क्यों नहीं जा पाया तो ये जो सिल्वर आपको लिख रहे हैं ये सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है कैसा है रिफ्लेक्टर है, ऑफ लाइट लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है रिफ्लेक्टर का मतलब कि लाइट को टकराने के बाद ये वापस भेज देगा ठीक है जिस मीडियम से लाइट जा रहा है ना

मिरर तो क्या है आपको वो क्लियर हुआ कि मिरर कुछ नहीं एक कांच का टुकड़ा होता है क्या होता है जिसका एक सरफेस पॉलिस्ड होता है या कलर्ड होता है एक सरफेस पॉलिस्ड होता है किससे कलर्ड होता है दूसरा सरफेस जो आगे वाला सरफेस है ना इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको क्या बोल देंगे कलर्ड सरफेस क्लियर है तो मिरर आपको समझ आया इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद आप रिफ्लेक्शन को लगे हाथ समझ लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या लिखिए इसका कितना लो होता है वो बताइए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलेंगे

रिटर्न्स बैक देन इट रिटर्न्स बैक इंटू द सेम मीडियम इंटू द सेम मीडियम दिस फेनोमिना दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी आप समझ आ पाए इसको सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिएगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बाउंस बैक कर रहा है तो सेमी मीडियम में करेगा वो बोलने वाली बात है नहीं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑफ ऑफ लाइट ठीक है लेकिन इससे बेटर डेफिनेशन ये है कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ रहा है ठीक है लेकिन शॉर्टकट में आप बोल के निकल सकते हो कि रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है इसके बाद आगे समझिए इसके बाद आपको समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन का दो लो होता है कितना लो होता है फर्स्ट लो को हम यहां पे लिख देते हैं ठीक है इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट वन पॉइंट और सेम प्लेन भी बोल सकते हैं सेकंड लॉ इसका क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ सीधा सीधा बात है मतलब क्या करने का कि सपोज करो कि ये हमारा प्लेन मिरर है ठीक है इस पर लाइट को हम इंसिडेंट करवाए लाइट टकराने के बाद बाउंस बैक किया तो यहां पे जो लाइट आया और जो गया ये एक लॉ के थ्रू होता है ऐसा नहीं कि जितना एंगल से आया उतना कितना एंगल से भी चला गया ऐसा नहीं होगा इसका लॉ क्या है इसको क्लास ट्वेल्थ में प्रूव भी किया जाएगा कि एंगल बराबर कैसे होता है ठीक है अभी आपको केवल समझना है अगर मान लीजिए कौन सा लाइट है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, है? है? रिफ्लेक्टेड रे तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के आएगा हमेशा उतना ही एंगल बना किया जाएगा अगर ये एंगल आई है और ये एंगल तो हम बोलेंगे कि लॉ है, है? 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 है ना या बोर्ड के एक प्लेन में है कि नहीं है तो एक प्लेन में बोलिए एक पॉइंट दोनों सही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है तो लॉ भी क्लियर हुआ आपको देखिए क्या क्या बताया अभी मिरर क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसका लॉ क्या कहता है क्लियर तक अब इसके आगे इसके आगे आगे बढ़ते हैं क्या समझना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इस रिफ्लेक्शन का भी दो टाइप होता है रिफ्लेक्शन का कितना टाइप होता है पहला को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं आप सेकेंड वन को ई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन ठीक है इसको आप डिफाइन भी करेंगे और साथ में समझेंगे रेगुलर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं रेगुलर को डिफाइन करते हैं वेन रिफ्लेक्शन

इसमें क्या बोला जाएगा वेन रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू इरेगुलर सरफेस थ्रू इरेगुलर सरफेस बिल्कुल बिल्कुल आसान चल रहा है 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 है, है? है? सब कुछ simple, simple. अब इसको समझिए ऐसे. बताइए ये, ये है ना? इसका आपको क्या लगता रेगुलर है, रेगुलर है? बिल्कुल स्मूथ होता है, अगर बिल्कुल स्मूथ है तो उसको हम रेगुलर बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे जैसे ये और स्क्रीन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन का जो ये सरफेस ये कैसा है तो कांची काँछ, का शीशा का ही है ना ग्लास का ही है ना तो बताओ ये रेगुलर है रेगुलर सरफेस? अब बताओ दीवार भी तो है सामने दीवार का सरफेस रेगुलर दिख रहा है आपको नहीं नहीं उसमें फ्रिक्शन फील होगा तो रेगुलर सरफेस इसको हम बोल सकते हैं अब यहाँ पे समझिए अगर यहाँ पे हम लाइट बीम को लाए किसको को लाए कौन सा लाइट बीम है पैरल लाइट बीम है अगर ये लाइट बीम पैरल आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरल जाएगा भी कैसे जाएगा पैरल जाएगा अभी अगर ये पैरेलल आया और पैरेलल गया इसका मतलब हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन कितना पॉइंट पे हुआ है तीन पॉइंट पे ए बी सी तीन पॉइंट पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको अब तीनों पॉइंट पे अगर हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा देखें अच्छे से तो यहां पे नॉर्मल ये होगा यहां पे नॉर्मल ये होगा और यहां पे नॉर्मल ये होगा बताइए अगर तीनों पैरेलल आया है तो नॉर्मल से एंगल भी तो बराबर बना के आया होगा बोलिए अगर एंगल बराबर बना के आया है तो बराबर बना के जाएगा भी समझ रहे हैं क्या तो अगर हम बोले कि आया था कितना बना के तो सब कितना बना के आएगा और गया कितना बना के तो सब कितना बना के जाएगा क्या समझ में आ रहा है बात दिख रहा है क्या लिखा हुआ है दिख रहा है कि क्लियर कर दे थोड़ा ये वाला एंगल आर है ठीक है रिफ्लेक्शन वाला ये वाला भी एंगल ये वाला भी एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन वाला एंगल हाँ ये वाला. ये भी आई? और ये वाला भी आई अब तो दिख जाएगा ना ठीक है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है यहां पे हम क्या बोल सकते हैं यहां पे हम बोल सकते हैं फॉर पॉइंट ए बी और सी तीनों के लिए एक साथ बोला जा सकता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है मतलब रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर सरफेस रेगुलर है रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है तो हर एक पॉइंट पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहा है एक साथ लेकिन यही चीज अगर हम इसमें समझे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इसमें समझे तो देखो इसका सरफेस कुछ ऐसा है ये भी ग्लास का ही सरफेस है लेकिन अब बताओ क्या ये रेगुलर आपको दिख रहा है नहीं ना अब इसमें हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं मान लो लाइट फिर से कैसे आया है आया है पैरेलल, लेकिन आपको लगता है कि पैरेलल जाएगा नहीं जाएगा ये पैरेलल जा रहा है नहीं ना पैरेलल आया तो है लेकिन पैरेलल गया क्यों नहीं गया तो यहां पे आप चेक करोगे तो सबका नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होगा सबका नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में क्या ये तीनों पैरेलल है नहीं ये पैरेलल नहीं है इसका डायरेक्शन कुछ है इसका डायरेक्शन कुछ है ठीक है अगर यहां पे एंगल को मेजर करें, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बताओ ये तीनों तो आपस में पैरेलल था नॉर्मल पैरेलल है तो यहां पे बोलेंगे कि एंगल मान लो कितना बना के आया तो यहां पे कितना होगा और यहां पे कितना होगा तो इसी तरह से ये बना के भी कितना जाएगा तो यहां पे बना के जाएगा यहां पे? पे आर थ्री ठीक है इस पॉइंट का भी नाम क्या देते हैं ए बी अब बता तीनों पॉइंट पे रिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन क्या इसके जैसा हम तीनों पॉइंट पे एंगल आए बराबर आर लिख सकते हैं नहीं यहां पे ए के लिए क्या लिखना पड़ेगा आई वन इक्वल टू आर वन बी के लिए क्या लिखना पड़ेगा आई टू इक्वल टू आर सी के लिए क्या लिखना पड़ेगा आई थ्री इक्वल टू आर थ्री तो लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड तो यहां भी हुआ लेकिन एक पॉइंट पे वैलिड हुआ सब पॉइंट पे एक साथ नहीं हुआ क्लियर है यहां तक तो रिफ्लेक्शन, उसका लॉ और उसका टाइप खत्म अब हम लोग आगे देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर मिरर कितना टाइप का होता है तो देखिए मेनली जो होता है मिरर जो हमको सिलेबस में पढ़ना है वो होता है दो टाइप का पहला को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर क्या बोलते हैं अब दूसरा को हम लोग बोलेंगे अस्फेरिकल मिरर क्या बोलेंगे अस्पेरिकल मिरर अब बोले प्लेन मिरर किसको बोलते हैं तो अभी अभी तो बताए थे इसको so, कैसे डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन करेंगे फ्लैट पीस क्या बोलेंगे अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास अ फ्लैट प्लीस ऑफ विच हैविंग विच हैविंग वन कलर्ड सर्फेस एंड वन रिफ्लैक्टिंग सर्फेस ठीक है अब, बतलग, फ्लैट पीस ऑफ ग्लास फ्लैट मतलब समतल तो फ्लैट पीस ऑफ ग्लास हैविंग वन वन कलर सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर 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 किसको बोलेंगे प्लेन प्लेन को देखिए मीरिकलेंगे बताए थे ना आपको ये फ्लैट पीस ऑफ ग्लास है इसका एक सरफेस को क्या कर दीजिए कलर कर दीजिए तो ये बन गया प्लेन मिरर प्लेन मिरर के केस में आप याद रखना कि प्लेन मिरर अगर है तो इसका फोकस इसका सेंटर और इसका रेडियस अगर ये तीनों के बारे में पूछा जाए कि प्लेन मीटर के लिए फोकस सेंटर और रेडियस कितना होता है तो ये तीनों का आंसर है इनफाइनाइट कितना होता है क्यों इनफाइनाइट मानते हैं ये भी आपको हम भी बताएंगे ठीक है प्लेन मीटर क्लियर है अब किसके बारे में बात करना है अस्फेरिकल मीटर तो अस्फेरिकल मीटर के बारे में हम बात करते हैं इसको बोलेंगे पीस ऑफ

एंड वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अस्पेरिकल mirror. अब स्पेरिकल मीटर कैसा होगा देखिए क्या बोला गया पढ़ लीजिए अ पीस ऑफ होलोस्पेरिकल ग्लास विच हैविंग वन कलर्ड एंड वन रिफ्लेक्टिंग होलोस्पेयर का मतलब हॉलोस्पेरिकल ग्लास का मतलब कांच का एगो फुटबॉल मान लीजिए क्या मान लीजिए कांच का फुटबॉल मान लो ये होलो कांच का फुटबॉल है सर्कल इसको नहीं मानना है समझ में ये क्या है फुट है फुटबॉल क्या ये किस चीज का बना हुआ फुटबॉल है ग्लास का बीच में हवा है बीच में क्या है तो होलो हो गया अब इसी का आपको पार्ट लेना है तो हम इधर से एक पार्ट काट लेते इसका कट गया इधर से एक पार्ट काट लेते हैं कट गया तो बताइए ग्लास का ये दो पार्ट निकल गया या। ऐसे पार्ट तो चार ही दिख रहा है लेकिन चारों में अगर देखोगे तो दो ही मिलेगा ठीक है चारों में देखोगे तो क्या मिलेगा? दो ही मिलेगा दो एक, एक टाइप का मिलेगा देखिए हम कलर करके दिखा देते हैं मान लो इसको हम इधर से कलर कर दें ठीक है इसको हम इधर से कलर कर दें ठीक है इसको हम इधर से कलर कर दें इसको हम बाहर से कलर कर दें बताओ इसमें से सिमिलर दो कौन है हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार भाग में है और सबको हम रंग दिए अब बताइए एक जैसा कौन कौन सा भाग है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ एक जैसा है फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए एक जैसा है दोनों का अंदर वाला सरफेस कलर है दिख रहा है है और और थर्ड फोर्थ में क्या है? दोनों का बाहर वाला सरफेस कलर है क्लियर है फर्स्ट सेकंड में में अंदर से से कलर कलर किया गया है। कलर गया है है थर्ड फोर्थ बाहर कर दिया ठीक है जिसमें अंदर से कलर किया गया है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं और जिसमें बाहर से कलर किया गया है, उसको बोलते हैं कॉनकेव तो हम यहां पे थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं देखो ऐसे एक को हम ऐसे दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं और एक को हम ऐसे दिखा सकते हैं बताओ कुल मिला के यही दोनों कटा है ना इसका देखो ये जो लाइन खींची ये लाइन क्या था इस लाइन को बोला जाता, जाता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सेस बताइए ये ये होलोस्फीयर ग्लास का ही पार्ट है ना तो ये इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा क्योंकि इसका सेंटर था कि नहीं आईसी का ये पार्ट है तो इसका भी कहीं सेंटर होगा ना सेंटर इस तरफ होगा राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा कर्व जाएगा ना तो इसका सेंटर कहीं यहां होगा इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोला जाता है क्योंकि अब ये कर्व का सेंटर है ये पूरा स्फेर तो रहा नहीं उसका एक पार्ट बचा ना तो बोले कर्व है क्या है बोला कर्व का जो सेंटर होगा क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ आज जो आपको ये मिरर दिख रहा है मिरर बन गया ना स्पेर मिरर, इसको बोलेंगे ना मिरर का जो सेंटर पॉइंट है मिरर का सेंटर पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट का मतलब इस मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल क्या बोला जाता है पोल और सेंटर को जो लाइन मिलाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन ज्वाइनिंग एंड सेंटर ऑफ इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट आएगा मिड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ इज कॉल्ड या मिड पॉइंट बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ पोलैंड सेंटर मिड पॉइंट ऑफ पोलैंड इज कॉल्ड फोकस क्लियर हो गया एक चीज और ये मिरर का जो एज है एज ये दोनों को अगर हम मिला दे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला सकते हैं एक डिस्टेंस आ रहा है ना इस डिस्टेंस को बोलते हैं एपर्चर क्या बोलते हैं एपर्चर जितना सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम एपर्चर ठीक है अब जो पॉइंट इसमें है इसमें भी तो होगा इस पॉइंट का नाम पोल इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और सेंटर का मिड पॉइंट एपर्चर क्लियर हो रहा है तो ये था दो तरह का मिरर एक मिरर का नाम क्या था प्लेन मिरर और दूसरा का नाम क्या था अस्पेरिकल मिरर में कितना टाइप का मिरर है इसको बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर क्या बोलते हैं इसको आ इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर आप कैसे पहचानेंगे इसको पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स इसको हिंदी में बोलते उत्तल उठा हुआ तो उत्तल उठा हुआ तो उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि स्फेरिकल मिरर में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहेगा बताओ ये उठा हुआ है कि नहीं आई वाला ढांसा हुआ है तो जिसका उठा हुआ रहेगा और जो बच गया तो ये भी पहचान क्लियर है कि कैसे होता है क्या होता है ठीक है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया गया कि पोल होता है फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये सब सही है क्लियर यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेन मीटर का टाइप हो गया मीटर क्या मीटर का टाइप हो गया इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन प्लेन मीटर इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मीटर प्लेन मीटर से जो इमेज बनता है उसका आप रे डायग्राम बताइए कैसे बनता है ठीक है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मीटर तो देखते हैं इसको भी आप लोग ध्यान यहां पे लगाए रखिए आपको आराम से लिखवा दिया जाएगा चीजों को समझते जाइए देखो प्लेन मीटर से इमेज कैसे बनेगा जैसे है, अगर पहले एक के सामने एक है, इसके पे आप भी खड़ा हो सकते हैं आप भी एक ऑब्जेक्ट बन जाइएगा तो आपका भी ये बना के देगा इमेज बनता कैसे उसको समझिए पहले एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके समझा रहे हैं. अगर ये ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है कम से कम कितना रे का रिक्वायरमेंट है दो बिना दो रे के हम फॉर्मेशन दिखाई नहीं पाएंगे ठीक है वो उसको नींद आ रहा है क्या खड़ा हो जाओ यहां बैठो इधर ध्यान दो इधर सीधा सीधा बैठो सीधा एकदम इधर ध्यान दो ये स्टैंड मत लगाओ सीधा स्टैंड बैठो नींद नहीं आएगा देखिए इधर कम से कम कितना रे चाहिए एक रे को आप जैसे मन करता वैसे निकाल सकते हो आप ठीक है एक को ऐसे ले गए एक को ऐसे ले गए ठीक है बताओ अभी, अभी आपको मीटर का डेफिनेशन पढ़ाया, पढ़ाया गया मीटर लाइट को पास करने देता है तो रिफ्लेक्शन एक जैसा होगा यहां पे देखो यहां पे नॉर्मल इसका दिखाते हैं नॉर्मल ये नॉर्मल होगा मीटर को देखो आप मीटर को मीटर से परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है ठीक है तो मान लो ये नॉर्मल है नॉर्मल का मतलब क्या कि मीटर से जो 90 डिग्री बनाए ठीक है नॉर्मल का मतलब क्या जो मीटर से तो बताओ यहां पे आप देखो तो ये कुछ एंगल बना के आया है ना ये आ रहा है ना कुछ एंगल बना के इसको क्या नाम देंगे ये भी कुछ एंगल बना के आ रहा है इसका क्या नाम देंगे आई वन नाम देते कितना एंगल पे आया जरूरी थोड़ी कि बराबर बड़ एंगल पे आएगा ठीक है इसको आई और इसको अब यहां से बताइए लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन होकर इधर आएगा ये रिफ्लेक्टर होकर इधर जाएगा ऐसे ये एंगल कितना होगा इसको क्या बोलेंगे सही है बताओ ये कौन सा रे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला पॉइंट है तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है तो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा रे रिफ्लेक्टेड ले देखो तो इधर इधर कहीं कटेगा कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो इसको हमको कहां पे अज्यूम करना पड़ेगा पीछे तो पीछे लाइट सही में जाएगा अज्यूम करेंगे ऐसा मानेंगे हम कल्पना करेंगे इमेजिन करेंगे ठीक है तो हम यहां से लाइट को पीछे बढ़ा के देखेंगे कुछ ऐसा जाएगा इसको बढ़ा के देखेंगे कुछ ऐसा जाएगा यही पिंट पॉइंट मिलने वाला है जहां पिंटर सेट किया वहां पे क्या बनेगा इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा यहां पे इमेज आपको दिखाई देगा ठीक है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया डिस्टेंस हाँ, इक्वल रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे आपको लग नहीं रहा होगा उस हम लगवा सकते हैं थोड़ा सा और डिस्टेंस को बढ़ा के आगे मिलाएंगे ठीक है आप, आप स्केल लेके मिलाइएगा प्रॉपर मिल जाएगा ठीक है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये देखिए हम प्रॉपर्टी पे भी बात कर ही लेते हैं बताओ ऑब्जेक्ट कैसा था रियल के वर्चुअल तो इमेज कैसा बना इसका प्रॉपर्टी समझना पहला प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी x होगा साइज साइज ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये पॉइंट है तो जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना ही बड़ा हमको उसको दिखाई देगा ठीक है तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज हाइट मैंने साइज हाइट मतलब तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ तो साइज बराबर हो गया पहला था डिस्टेंस बराबर था इसको हम क्या बोल सकते हैं पहला पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू फ्रॉम द मिरर थर्ड पॉइंट इफ ऑब्जेक्ट इज रियल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल इमेज कैसा होगा yeah. एक प्रॉपर्टी और होता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरलीड जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्ट कर जाता है इसका मतलब है लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि अगर प्लेन मिरर है ना और इसके सामने अगर हम बी ऐसे लिखे तो इसमें जो इमेज बनेगा वो बी ऐसे लिखाएगा मतलब ये राइट साइड है इधर वाला तो इमेज में उल्टा हो जाएगा और राइट की जगह पे क्या चल जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट की जगह कौन आ जाएगा दिख रहा है आपको राइट वाला जो पोर्शन है वो किधर दिख रहा है लेफ्ट में तो उल्टा हो गया कि नहीं पहले राइट वाला जो इधर था वो अब लेफ्ट साइड दिख रहा है और लेफ्ट वाला वो कहाँ दिख रहा है आदमी अगर खड़ा हो जाए इसके सामने अगर दाया हाथ उठाएगा तो मिरर में बाया हाथ दिखाएगा तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन तो ये आपको क्लियर हुआ ये प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन अब सुनो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो जैसे ये प्लेन मिरर है है और और यहां पे एक आदमी आदमी जूता पहना हुआ है और इसके सर में बाल है ठीक है अब ये भी अपना इमेज इसमें देखना चाह रहा है तो इसका फुल इमेज भी तो इसमें दिखेगा अब फुल इमेज कैसा दिखेगा तो इसको आप बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट में आप इसको बांटना पड़ेगा इसको छोटा छोटा पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा ठीक है आ छोटा छोटा पार्ट मिलके सब इमेज बनेगा तो फिर से पूरा आदमी दिख जाएगा अब यहां से हम देखें तो पहला लाइट कहां जाएगा बाल से यहां से टकरा के आंख पे आना चाहिए ठीक है दूसरा लाइट कहां जाएगा जूता से आई टकरा के कहा जाना चाहिए आई पे आना चाहिए इसको पीछे की ओर यहाँ पे इस आदमी का फोटो दिखेगा जितना बड़ा आदमी था उतना बड़ा इसका इमेज दिख जाएगा यहां पे देखो क्या ये पूरा मिरर का यूज किया कितना ही मिरर का यूज किया गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मीटर से ये फूल इमेज अपना बना लिया दिख रहा है ना ये पूछा जाएगा कि मान लो कि आदमी का हाइट कितना था तो जो इमेज बनेगा वो भी कितना हाइट का होगा बोलेगा बताइए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मीटर कितना चाहिए अगर कोई आदमी है और इसका मन में इच्छा है कि हम अपना फुल इमेज प्लेन मीटर में देखें फुल इमेज का मतलब जूता से लेके सर के बाल तक इसको मन कर रहा है कि हम अपना फुल इमेज इस मीटर से देखें

यहां पे एक ऑब्जेक्ट है क्या है अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है किसमें है अगर मान लो कि भी मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है तो इसका इमेज बताओ जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बन रहा होगा अगर ये ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इसका इमेज रेस्ट में रहेगा ये भी मूव करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में किधर देखो ऐसे बोला जाए तो ये मीटर की तरफ जा रहा है तो ये भी मीटर की तरफ आ रहा है लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक जा रहा राइट तो दूसरा जा रहा है yes. आईस का भी वेलोसिटी सेम होगा जितना वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आएगा उतना ही वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किसके रिस्पेक्ट में yes. हम यहां पे बोल सकते हैं yes. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लेकिन यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज बताओ या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ तब कितना बोलोगे तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हमको लिखना पड़ेगा वी ओ माइनस वी आई क्या लिखना पड़ेगा हम इसको लिख रहे हैं वी ओ माइनस वी आई करके बात कर लेते हैं हम लिख रहे हैं वी ओ आई मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू तो इसको क्या लिखेंगे वी ओ माइनस अगर हमको लिखना होता वी आईओ मतलब तो ऐसे लिखते ठीक है बताओ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखो तो कितना है इधर का डायरेक्शन प्लस लेते हैं कि माइनस प्लस इधर का डायरेक्शन इधर का इसको हम क्या लिखेंगे वी माइनस माइनस वी माइनस माइनस कितना आ गया टू वी मीटर के रिस्पेक्ट में इक्वल होता है जितना वाला से इमेज चलेगा चलेगा उतना ही चलेगा. दोनों का वैल्यू किसके बराबर था वी के लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का इमेज के रिस्पेक्ट में इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए, तो टू हो जाएगा समझ रहे हो तो यहां पर कितना वी आई बताओ वी आई माइनस वी माइनस प्लस वी तो ये रह जाएगा माइनस माइनस कितना आया माइनस टू ठीक है तो अगर ऑब्जेक्ट का इमेज के रिस्पेक्ट में इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछे तो डबल मीडियट के रिस्पेक्ट में बोले तो इक्वल क्लियर है यहां तक चलो इतना जानकारी अगर आपके पास है तो काम हो जाएगा ठीक छोटा सा और देख लो अगर बोल दे ये प्लेन मिरर है ठीक और ये ऑब्जेक्ट है अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा हम बोले कि ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल से रोटेट करवा दीजिए मान लो ये एंगल से मान ली थे तो कितना एंगल है थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दिए ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट का न्यू पोजिशन से तो बताइए इमेज कितना एंगल से घूमेगा किस डायरेक्शन में घूमेगा डायरेक्शन आपको दिख रहा ये है किधर घुमाए हैं किलॉकवाइज कैसे घुमाए बोले कि इमेज कितना एंगल से घूमेगा किधर घूमेगा तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज तो यहां बनेगा तो इमेज का डायरेक्शन ये होगा घूमने का तो ये एंगल तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सवाल बन सकता है ठीक है क्लियर यहां तक इसके बाद आप क्या देख लो प्लेन मीटर में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर प्लेन मीटर में एंगल ऑफ डिवेशन आपको निकालना हो जाए तो कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डिवेशन क्या होता है देखो समझो ये प्लेन मिरर ये लाइट इंसिडेंट हुआ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया इसको क्या बोलते हैं ये एंगल कुछ बना के आया कुछ बना के गया आई बना के आया था आर बना के जाएगा बताओ रूल के हिसाब से लाइट को चलना चाहिए था स्ट्रेट लाइन कैसे चलना चाहिए था लेकिन चल पाया रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इसलिए बाउंस बैक कर गया तो ओरिजिनल डायरेक्शन से ये कितना एंगल से डेविएट हुआ है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलते हैं इसको डेल्टा से लिखते हैं डेल्टा का मतलब क्या हुआ एंगल ऑफ कोई पूछे एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन कैसे करेंगे तो आप बोल दीजिएगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं ऐसा ये कौन सा रे कौन सा है ये दोनों के बीच का एंगल क्या बोलेगा अभी मत देख लेना कि एंगल ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड तो बीच वाला एंगल हो गया एंगल नहीं आपको फिर डायग्राम में दिखा रहे है ना कि एंगल बिटवीन यहां पे आप डायरेक्शन लिख सकते हो द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल अब क्लियर हो रहा है ठीक है अब यहां से अगर हम बोले कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू बताओ कितना होगा जैसा दिख रहा है डायग्राम तो ये कितना है ये कितना है आई टोटल कितना है तो एक सौ में से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 180 एट्टी माइनस आई माइनस आर एंगल ऑफ डिविएशन निकल गया। अब आई दे देगा दे आर दे देगा दे डेल्टा पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं क्लियर है तो प्लेन मिरर में जितना आपको जानकारी दिया गया इतना आपके लिए सफिशियंट है अब आते किस पे स्फेरिकल मिरर तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई अस्फेरिकल मिरर, अस्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है उसको आप दिखाइए तो स्पेरिकल मिरर में दो है ना एक कॉन्वेक्स और एक तो हम एक एक करके बात करते हैं पहला बात किससे करते हैं कौन के से किससे बात करेंगे कौन के से देखो कौन के आपको पता है कि ये वाला होता है कौन के मिरर इसी को बोलते हैं ना अब इसमें कुछ लाइट इसमें डायग्राम हमको बताना है इमेज बनाना है तो उसके लिए कुछ है, रूल है इमेज बनाने का उसमें तीन गो रूल आपको याद रखना है ठीक है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू थ्रूरिकल मिरर ठीक है उसको भी लिख दे क्या कि समझ लोगे आप यहाँ पे डायग्राम से समझा देते हैं जब लिखोगे तो हम लिखवा देंगे यहाँ पे रूल करके लिख देते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इमेज बनाने के लिए कुछ रूल है रूल क्या है दोनों मिरर के लिए बात करेंगे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो ये कौन सा मिरर? अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट आप लाओगे तो रूल कहता है कि हमेशा ही टकराने के बाद फोकस से जाएगा हमेशा के लिए वैलिड है किसके लिए वैलिड है अगर मार्जिनल ले लेंगे ले 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 ना तो हो सकता है कि यहां से चल जाए तब फोकस इसका दो गो हो जाएगा ना फोकस दो बनाना नहीं है फोकस कितना होना चाहिए एक होना चाहिए इसको आस, एबरेशन कहा जाता है ये एक डिफेक्ट है जो इस तरह का हो रहा ना कि रेक और दूर ले जा रहे हैं तो फोकस चेंज हो रहा है इसको एक डिफेक्ट बोला जाता है और उसका नाम क्या है क्या बोलते हैं उसको आगे भी नाम आप सुनिएगा तो उससे ज्यादा मतलब नहीं है आपको कोई मिला के क्या समझना है आपको समझना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से जाएगा ये दिमाग में सेट कर लीजिए ठीक है अगर नीचे से भी लाइट ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, के तो ये भी टकरा कहां से जाएगा कहां जाएगा? फोकस से ही जाएगा दिख रहा है अब इसमें हुआ तो साथ में आप उसमें भी देखो ये कौन सा मिरर है कौन वेक्स? अब इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लाइट आया है टकराने के, के बाद फोकस से जाएगा लेकिन ये तो तो नहीं गया, इसमें सच में नहीं जाएगा इसमें आपको इसमें जा रहा है, जाता हुआ दिख रहा है ना एक, में में जाएगा, एक में जाता हुआ, लगेगा तुमको कि सही में जा नहीं रहा है लेकिन लग रहा है कि वहीं से लाइट आ रहा है क्या लग रहा है कि लाइट कहां से आ रहा है ना ये भी लाइट कहां से लग रहा है कहां से आ रहा है ठीक है ये पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट होगा तो हमेशा कहां जाएगा कॉनकेव में सच में जाएगा कॉनवेक्स में टू पास होगा, ठीक है? सेकेंड रूल समझिए यही रूल जानोगे तो आप इमेज बना पाओगे सेकेंड रूल क्या है कि अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर है ठीक है अब कोई लाइट मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ गया ये फोकस और सेंटर पोल होता है ना मान लो कि कोई लाइट को हम इसी पे लेके चलाए ठीक तब बताओ सेंटर से पास हो रहा है ये लाइट सेंटर से पास हो रहा है अगर इसी लाइन में पास हो रहा है तो सेंटर से तो जाएगा ही ना अगर इस सेंटर से पास हुआ है मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगा ठीक है ऐसा क्यों हुआ तो ये जो लाइट गया है ना इस पॉइंट पे नॉर्मल इंसिडेंस कर गया कैसा इंसिडेंस कर गया जैसे ये प्लेन मीटर बताए थे अभी ये नॉर्मल होता है अगर मान लो कि लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंट करवा दे तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर करते हैं ना अगर ये लाइट यहां से नहीं आके इसी पे आ गया तो ये एंगल कुछ बचा कि जीरो हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे अगर आया है लाइट अगर इसी पे लाइट आया है तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? तो ये टकरा इसी पे जाएगा क्यों क्योंकि रूल क्या कहता है? तो है तो होगा। अब यहां पे भी ये हो रहा है। अगर अगर से तो सेंटर से पास होने वाला कोई भी पॉइंट अगर मिरर को टच किया तो मिरर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा डिग्री कोई इंसिडेंस हुआ तो ठीक उसी पथ पे क्या हो जाएगा वापस हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे लाइट गया है तो टकराने के बाद इसी से वापस आएगा क्योंकि सेंटर से खींचा गया कोई भी लाइन हमेशा नब्बे डिग्री बनाएगा नब्बे डिग्री पे लाइट आया तो उसी पाथ पे लौट जाएगा यहां से भी दिखा सकते हैं दिख रहा है अगर इस पाथ को हम भेजे तो टकरा के फिर से वापस इधर ही आएगा इस सबका लॉजिक क्या बोल रहे हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन पास किया तो यहां पे कितना डिग्री बन रहा नब्बे और नब्बे डिग्री पे लाइट जाएगा तो उसी पे तो सेकेंड लो क्लियर हुआ पहला क्या बता पहला पैरेलल आएगा तो या जाता हुआ दिखिएगा दूसरा कि सेंटर से कोई भी लाइट पास करेगा तो मीटर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस आएगा ठीक है नब्बे डिग्री पे इंसिडेंट हो गया सर्फेस से तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल आई एंगल आर जीरो होता है तो सेम पाथ को फॉलो करेगा क्लियर हुआ तीसरा रूल कि अगर ये स्फेरिकल मिरर है आ लाइट पोल पे कुछ एंगल बना के इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्स के साथ मान लो कितना एंगल थीटा तो ठीक उतना ही एंगल बना के वापस जाएगा क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है ये इंसिडेंट रे आई सेंटर से पास हुआ नॉर्मल का काम कर गया तो नॉर्मल से जितना बना के आएगा उतना ही बना के जाएगा अभी तो तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या ये तीन रे डायग्राम आपको समझ में आया कि कैसे हमको ले जाना है अब यही तीनों का यूज करके सब इमेज बना देंगे टोटल तो ये तीन पता होना चाहिए जरूरी था ना इसलिए आपको बता दिया गया चलिए अब आते हैं इमेज पे देखो कौन के से बनाना है कौन के से पहले दिमाग में क्या रखना कि कौन के से टोटल कितना इमेज बनेगा छे, कितना बनेगा छे में पांच रियल बनेगा और एक ये डायरेक्टली याद करना है आपको याद करने का चीज है, ठीक है बनाना हम आपको सिखाएंगे लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन के से टोटल इमेज कितना बनता है छे में पांच और एक क्लियर अभी सबको हम बना के बारी बारी से दिखाएंगे अब बताओ छह इमेज बनना है तो छह जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा तभी ना छह इमेज बनेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट का छह इमेज बनेगा नहीं एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका इमेज का पोजीशन चेंज होगा और उस पोजीशन के आधार पे कितना इमेज बनाता है छे छे में पांच एक याद हो गया देखिए पहला इमेज पर हम बात करते हैं शुरुआत कहां से करेंगे फाइनाइट से ऑब्जेक्ट को कहा मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट किसको बोलते हैं जो बहुत दूर हो जैसे सूरज सन सन को कहां मानते हैं इनफाइनाइट ठीक है सन को कहा मानेंगे तो जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो देखो इसको क्या बोलते हो पोल ये तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को बोलते हैं ना इस पॉइंट का पोल. यहां पे क्या होता है आ यहां पे क्या होता है सेंटर से थोड़ा पीछे जाओगे थोड़ा तो बोलना कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है अब बहुत पीछे चल गए इनफाइनाइट गए समझ में आया अब देखो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है है हमारा इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से जब भी लाइट आएगा तो पैरेलल आएगा कैसे आएगा तो एक को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आते हैं और दूसरा को उसके पैरेलल ले जाते हैं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आया टकरा के वापस और जो पैरेलल आया बताओ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रहे हैं कहाँ पे कटा तो इमेज कहाँ बना कैसा इमेज बना पॉइंट साइज ये पॉइंट ना दिख रहा है ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था इन्फाइनाइट पे लेकिन इमेज कैसा बना आ, ये इंटरसेक्शन सच में हुआ है सच में हुआ है तो इमेज कैसा होगा तो रियल इमेज कैसा इमेज रियल इमेज और साइज वेरी स्मॉल साइज कैसा है वेरी स्मॉल क्लियर हो गया अब इसी को ऑब्जेक्ट को अब आगे बढ़ाइए देखना दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर कहां रखेंगे इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर देखो ये स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलेगा इसको, इसको, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में मतलब सेंटर के पीछे सेंटर के पीछे को क्या बोला जाएगा कि सी और इनफाइनाइट के बीच में हो रहा है अगर सेंटर से बहुत पीछे है तो हाँ तो सी और इनफाइनाइट के बीच में तो सेंटर के जस्ट बगल में दिखा दीजिए बताइए इस ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहां पर बोलोगे आप सेंटर और इनफाइनाइट के सही चल रहा है बताओ फिर से इमेज है, कम से कम कितना रे एक को कैसे ले जाओ कहा जाएगा चला गया दूसरा को आप सेंटर से भी ले जा सकते हो लेकिन इससे आसान है पोल से ले जाओ कहां से ले जाओ ऐसे जाएगा जितना एंगल बना के आया उतना एंगल बना के गया ये रूल अप्लाई हुआ जो अभी बताए थे आपको तीसरा रूल कि पोल से जितना एंगल बना के आता है उतना एंगल बना के बताओ रिफ्लेक्टर कहीं पे कटा है जहां पे कटा वहां पे क्या बना इमेज कैसा है इससे बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट से छोटा तो इसको बोलेंगे कि रियल इमेज है ये भी छोटा ही है लेकिन पहले जितना छोटा है तो पहला वाला को बोलेंगे वेरी स्मॉल इसको बोलेंगे स्मॉल उसको क्या बोलेंगे वेरी स्मॉल क्योंकि एकदम तो छोटा था ये उससे थोड़ा तो बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे रियल इमेज है और स्मॉल है हम सब कुछ लिखवाएंगे क्लियर है दो बोलिए तीसरा कहां पर रखोगे बोलो आगे बढ़ो तो अगला पोजीशन सेंटर है अगला पोजीशन कौन है तो तीसरा देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा सेंटर पे ये इधर इधर ये ऑब्जेक्ट है याद रखना सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो इसका इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा इमेज भी कहां बनेगा अब दोनों का साइज इक्वल रहेगा कैसे बनाना है कम से कम कितना ले एक को कहा जाएगा ठीक है कहां से गया फोकस आप के लिख के रख के खींचेगा तो आपसे सीधा सीधा खींचाएगा दूसरा को कहाँ से ले जाओ जितना एंगल बना के आएगा उतना एंगल बना के कहीं पे कटा? आइए एग्जेक्ट कहाँ पे काटना है तो बन गया इमेज तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी कैसा इमेज रियल है पांच रियल बोले थे ना तीन रियल आपको दिख गया अगला बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखोगे बीच में फोर्थ ऑब्जेक्ट कहां रखा बोलिए क्या थर्ड में इक्वल इक्वल साइज वो भी सब सीक्वेंस आपको याद करने का अभी तरीका बताएंगे अभी देख लो पहले ऑब्जेक्ट कहां रखना है इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस सही है देखो इधर बना देते हैं ये? इधर इधर ऑब्जेक्ट हो गया फिर से कितना रे एक को कैसे ले जाना कहां जाएगा दूसरा को कहां से लेके चल जाओ कहां जाएगा थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं ये कुछ ऐसे जाएगा ठीक है ये एंगल इक्वल जहां पे कटा वहां पे क्या बनेगा इमेज कहां बना सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में या बोल सकते बियॉन्ड द सेंटर ठीक है ये भी कैसा इमेज रियल इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा इसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा होगा बड़ा दिख रहा है क्या थोड़ा बड़ा तो बड़ा होगा भी अगला पोजीशन फोकस अगला पोजिशन कौन है Focus. कितना नंबर होगा पचमा चलो इधर ही देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखना है फोकस पर तो देखो ठीक है इधर यहां यहां ऑब्जेक्ट कहां है हो गया फिर से कितना रे? एक को कैसे ले जाओ कहाँ से जाएगा दो दो चला गया और दूसरा को कहाँ से ले जाओ दो 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 दो। ये बिल्कुल समानांतर निकलेगा पैरेलल निकलेगा ठीक है बिल्कुल कैसा निकलेगा पैरेलल यहाँ पे एंगल आप समझ रहे हैं कि इक्वल होगा ही अब ये बताओ पैरेलल है तो कहाँ जाके मिलेगा तो कहीं नहीं तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट कहां मानेंगे तो इमेज कहां बना इनफाइनाइट ये कैसा इमेज बोलेंगे हम रियल और ये लार्ज साइज का होगा क्या होगा मान लेते हैं कि कहां पे कट रहा है इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पे मान रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां है ऊपर पैरेलल है लेकिन हम मानेंगे कि पे कट रहा है इनफाइनाइट पे कुछ निश्चित है नहीं ना तो हम मान सकते हैं ठीक ये माना गया आपको भी मानना पड़ेगा कि इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये दो पैरेलल लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इनफाइनाइट पे दो पैरेलल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो बोल रहे हो ना आप तो ये भी कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इनफाइनाइट इन्फ, इन्फ, पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज कैसा बोलेंगे रियल, रियल बोलेंगे एक लॉजिक और है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज कहाँ बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज हो ना इन्वर्टेड इमेज रियल होता है कैसा होता है इसका साइज बड़ा होगा वेरी लार्ज कैसा इमेज होगा फोकस तक पहुंच गया पांच हो गया लास्ट अगला कहाँ रखना है पोलर फोकस के Beach. बीच में तो देखो सिक्स नंबर का ऑब्जेक्ट कहां रखना है इन बिटवीन फोकस एंड पोल है ना तो इसका देखो इमेज यहाँ रखा है ठीक है फिर से कितना ले चाहिए एक को कैसे ले जाओ कहाँ से जाएगा फोकस से जाएगा चला गया दूसरा को कहाँ से ले जाओ ये ऐसे जाएगा क्या ये पैरेलल है ये पैरेलल बीम है ये डाइवर्जिंग है डायग्राम देख के बोलो आप डाइवर्ज कर रहा है क्या कर रहा है तो डाइवर्ज कर रहा तो इधर तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं कहाँ तक हम मिला सकते हैं पैडल तक अगर डाइवर्ज कर गया तो नहीं मिलेगा कि कहाँ मिलेगा पीछे की ओर बढ़ाओ कहीं पे मिलेगा जहाँ पे मिलेगा वहां पे क्या बनेगा तो ये इमेज कहाँ बना बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे, पीछे। मिरर के पीछे सब वर्चुअल होता है ना तो ऐसा इमेज हुआ वर्चुअल साइज थोड़ा बड़ा है साइज कैसा है बड़ा है अब इसको देखो याद करना है इस सब पोजीशन तुमको याद कर रखना है दिमाग में कि कहां पे ऑब्जेक्ट तो कहां पे इमेज कैसा इमेज बड़ा छोटा रियल वर्चुअल सब कुछ याद करने का बहुत आसान तरीका एक टेबल बनाया गया है देखो टेबल से आपको सब कुछ याद हो जाएगा अभी आप एक टेबल बना लो टेबल में कॉलम बना लो एक लिख दो एक लिख दो एक लिख दो, दो, दो रियल और वर्चुअल रियल और लास्ट में लिख दो साइज यही पता करना होगा ना इस सब को देखो आप सीक्वेंस में कैसे याद कर सकते हो कितना बनाना हम लोग को छ कितना बन गया वन टू थ्री फोर फाइव एक यहीं पे लिख देते हैं छ हो गया ठीक कॉन्सेप्ट क्या है सो समझो इसका याद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के तरफ ले जाइएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के तरफ ले जाइएगा टुवर्ड्स द मिरर ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे मिरर के टुवर्ड ले जाइएगा जो इसका इमेज होगा वो मिरर से दूर जाएगा सीक्वेंस में समझ में आया जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के नजदीक ले जाओगे उसका इमेज सिंपल नहीं है कौन के मिरर में किसके लिए जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट जैसे को मिरर के नजदीक ले जाते हैं इमेज दिमाग में से थोड़ा है कि ऑब्जेक्ट अगर नजदीक जाएगा तो उसका इमेज और सब सीक्वेंस में सीक्वेंस कैसा बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ-कहाँ पर रखना है सबसे पहले सबसे पहले कहाँ रखना है इनफाइनाइट पे उसके बाद इनफाइनाइट और सेंटर के इसके बाद इसके बाद इसके बाद, इसके बाद? इसके बाद ताप आप एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ना अब उसी के अकॉर्डिंग सोचिए इमेज इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बना था अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बना था तब फोकस यहां है ये यह सेंटर है तो इनफाइनाइट का बना अब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ तो इमेज भी इधर जाएगा दूर तब फोकस के बाद क्या है फोकस और सेंटर के अब अपने से बोलना इसका क्या हो गया फोकस और सेंटर के अगला पोजीशन अगला अगला बताओ अपने अपने भड़ा गया कि नहीं समझ में आ रहा है लास्ट वाला मिरर के पीछे बनता है लास्ट वाला इसको क्या लिख दीजिएगा बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द शुरू से लेके पांच गो रियल टी सब में और लास्ट साइज साइज भी सीक्वेंस है सबसे पहले स्मॉल के बाद के बाद इक्वल बहुत छोटा छोटा बराबर फिर बड़ा तो अगला बड़ा के बाद लार्ज और लास्ट वाला लिख देना लार्ज लास्ट वाला को वेरी लार्ज नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे तो बताओ ये याद नहीं हो गया हाँ लार्ज दो है बिल्कुल एक रियल में है एक वर्चुअल में ठीक है तो क्या आप याद कर पाएंगे इसको बिल्कुल आसानी से तो ये किसका हो गया कौन केव का एक और कौन बचा है देखो कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स का मात्र दो इमेज बनता है कितना इमेज बनता है दो, दो। इधर ध्यान दो इससे कितना इमेज बनेगा अब दो। दोनों इमेज होगा वर्चुअल दोनों इमेज कैसा होगा वर्चुअल रियल बनता ही नहीं है आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ किस मिरर से रियल इमेज नहीं बन सकता है? बड़ा इमेज नहीं बन सकता कौन के से कॉन्वे कौन में बड़ा नहीं बना था देखो तो लार्ज वेरी लार्ज दिख रहा है किससे नहीं बनता है ये वर्चुअल बनेगा और हमेशा छोटा ही बनेगा इससे बड़ा कभी नहीं बनता है इसका यूज आप गाड़ी के साइड मीटर में देख सकते हैं जो बगल में रहता है पीछे वाला चीज को देखने के लिए वो कौन सा होता है कभी इसमें देखे थे कि बड़ा इमेज बना बड़ा बड़ा ट्रक होता है इतना छोटा दिखता है तो हमेशा कैसा इमेज बनाता है छोटा कैसा इमेज बनाता है छोटा देखो इधर पहला ऑब्जेक्ट कहां रख देना इसको क्या बोलते हैं इधर क्या होगा और इधर ऑब्जेक्ट पे है, तो लाइट कैसे आएगा पैरेलल लाइट को कैसे लाना है पैरेलल एक को प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आते हैं, टकरा के वापस चला जाएगा रिफ्लेक्टर को पीछे बढ़ाएंगे तो डॉटेड लाइन में जाएगा आइए कहां जाएगा इधर से इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां जाता हुआ दिखेगा फोकस से अप्रोक्सीमेटली फोकस से जाता हुआ दिखेगा आइस को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये भी कहां जाएगा तो इमेज कहां बना तो ये सेम रह गया कॉनकेव में भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज आ कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो इमेज लेकिन अंतर क्या है कि ये वर्चुअल है उसमें क्या था समझ में आया साइज इसका भी वेरी स्मॉल पॉइंटर बन गया वेरी स्मॉल क्लियर हुआ सेकंड सेकंड में आप ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं जहां मन करता वहां रख दो ठीक है कहां पे ही रखा हुआ है पोल इनफाइनाइट के बीच में तो ऑब्जेक्ट कहां हो गया इन बिटवीन पोलैंड समझ में आया कितना चाहिए फिर से पैरेलल कहां से जाएगा तो कुछ एक सा जाएगा इसका फोकस इधर होता है ना तो ये फोकस दूसरा वो कहां से ले जाओ तो ये टगरा कैसे आएगा ये एंगल बताओ ये वाला लाइट रे ये वाला लाइट रे सही में मिलता नहीं ना तो इसको भी कहाँ ले जाओ पीछे कहीं पे इंटरसेट किया जहां पे इंटरसेट करेगा वहां पे क्या बनेगा इमेज यहां पे इंटरसेट हुआ है तो इमेज यहां बना क्लियर है क्या कोई पूछे इमेज कहाँ बना पोल और फोकस के तो इमेज के बारे में हम क्या बोलेंगे इन बिटवीन पोलैंड फोकस फोकस के पीछे कभी नहीं जा सकता है। इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रहे फोकस के अंदर रहेगा फोकस और पोल के बीच में फोकस के बिहाइंड नहीं जाएगा क्लियर हो गया तो छे या दो प्लेन मीयर से भी इमेज बनाना सिखा दिए ठीक है सब कुछ क्लियर है अब आइए अब आपको सबसे पहले डिफाइन करना है फोकस को फोकस किसको करते हैं तो फोकस मीटर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है फोकस मीटर का अपना एक डिफाइन कैसे करना है लिखेंगे वेन इंसिडेंट रेज वेन इंसिडेंट

देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिररर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिर इट पासेज और एपियर टू पास वेन इंसिडेंट इज इंसिडेंट पैनल टू देन आफ्टर थ्रू इट पास इज ऑर एपियर टू पास थ्रू अ पॉइंट थ्रू अ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू अ पॉइंट ऑन दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ये आपको अगर फोकस का डेफिनेशन लिखना हो तो आप ये लिख के आना जो आपको लिखवाया गया ठीक है अब इसको डायग्राम से समझो कि जैसे मान लो कि ये क्या है क्या है ये मिरर हमको इसका फोकस डिफाइन करना है तो क्या बोले कि व्हेन इंसिडेंट राज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस

रियल फोकस है एक मिरर हमारे पास और है ना कौन सा इसका फोकस आप देखो वे लाइट रेज इंसिडेंट पैडल टू बोलो कस के बोलो वेन इंसिडेंट इंसिडेंट रेज इंसिडेंट पैडल टू आया आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। इट पासेज और एपियर टू पास क्या ये सच में पास होगा नहीं तो इसको एपीयर करवाओ बताओ एपीयर टू पास है पॉइंट से ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट का नाम क्या होगा कोई पूछे ये फोकस कैसा है तो ये वर्चुअल फोकस हो गया कैसा फोकस हो गया क्लियर हुआ तो रियल फोकस किसका होता है कस कब लिए अब वर्चुअल फोकस किसका होता है सही है सुनो इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ क्या बोलते हैं आपको अभी तीन गुट बता देना मीटर में इसको बोलते हैं यहां होता है यहां होता है पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एफ से लिखना किसे लिखना स्मॉल एफ क्या हुआ फोकल लेंथ पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे इसको रेडियस ऑफ क्लियर हो रहा है तो फोकल लेंथ रेडियस क्या होता है क्लियर जो चीज इसमें उसमें भी तो होगा इसका नाम यहां यहां तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस कितना होगा रेडियस ऑफ yes. सही है सब कुछ हो गया आप अब सुनो अब आपको हम डिस्टेंस को, को नापना सिखा रहे हैं इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं इसको साइन कन्वेंशन फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट साइन कन्वेंशन फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट ठीक है इन एस्फेरिकल मिरर किसमें बात कर रहे हैं इन अस्फेरिकल मिरर डिस्टेंस मेजरमेंट इन अस्फेरिकल मिरर ठीक है देखो अस्फेरिकल मिरर में डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करना है अस्फेरिकल मिरर कितना होता है दो या लेंस के लिए भी बता सकते हैं साथ में ही साथ में एक लेंस का फोटो बना लेते सब में एक ही जैसा होगा ये अगला चैप्टर में लेंस पढ़ेंगे ना तो उसके लिए भी देखो सबसे पहला काम कि अगर स्फेरिकल मीटर में आपको डिस्टेंस डिस्टेंस नापना है तो नापने का इजाजत पोल से ही है इसको आपको रेफरेंस पॉइंट मानना है क्या मानना है कभी भी डिस्टेंस नापोगे कहां से नापोगे इसके अलावा कहीं से नहीं क्लियर हुआ अगर आप लेंस में नापते हो तो इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर क्या बोलते हैं इसको तो लेंस में डिस्टेंस कहां से पाएगा में? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को हमेशा है। क्या है साइन कन्वेंशन क्या बोल लिखा हुआ है साइन का मतलब आ, कन्वेंशन का मतलब परंपरा कन्वेंशन का मतलब तो ये जो चिन्ह लेते हैं ना प्लस और माइनस उसको लेने का एक परंपरा चला है और परंपरा से ही तुमको काम करना पड़ेगा तुम अपना माथा लगा के प्लस को माइनस मानस को प्लस कर दिया तो सवाल में उलझन पैदा होगा और सवाल का आंसर गलत आएगा ठीक है, है? इसलिए जो आपको समझाया जा रहा है जितना भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे ना अभी से इससे पीछे जो कुछ भी पढ़ाए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है अभी जो पढ़ा रहे हैं सब न्यूमेरिकल इसी से बनेगा ठीक है जितना भी क्वेश्चन आप बनाओगे उस सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए बिना साइन कन्वेंशन के एक भी सवाल नहीं बनेगा अगर साइन कन्वेंशन ढंग से नहीं समझे तो सवाल गलत बन जाएगा तो साइन कन्वेंशन को अच्छे से सीखो पहला पॉइंट क्या बताए कि मीटर में डिस्टेंस कहां से नापोगे लेंस में दूसरा पॉइंट क्या बोले कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना लखा, रखा गया तीसरा पॉइंट लाइट कहां से आता है ऑब्जेक्ट से तो इसको मानना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो लाइट का डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑल द इज इजन एज पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जा रहे हो आप अब कोई भी डिस्टेंस ना पे हो तो डिस्टेंस कैसा लेना जैसा मान लो कि ऑब्जेक्ट है ना मान लेते हैं हम कि इमेज यहां बना मान लेते कि इमेज कहां बना यहां बना

डिस्टेंस कहां से ना कहा लेंस में ऑब्जेक्ट किधर रखिएगा लाइट कहां से आता है तो जो लाइट आएगा उसको क्या मान लेना डायरेक्शन ऑफ आ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंसना कैसा लेना तो बताओ भी कैसा होगा पॉजिटिव क्योंकि आप इंसिडेंट के डायरेक्शन में जा रहे हो बताओ आर कैसा होगा बोलिए जल्दी नेगेटिव कैसे ये सेंटर है आपको पोल से सेंटर का डिस्टेंस नापना है डिस्टेंस सेंटर का चाहिए तो कहां से नापोगे तो पोल से आप किधर जा रहे हो इंसिडेंटर के डायरेक्शन में कि अपोजिट अपोजिट जा रहे हो ना तो आर कैसा हो गया यू भी तो आप ऐसे इधर ही आओगे एफ भी समझ में आ गया मान इधर वाला सब इधर वाला सब क्लियर हुआ एक पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो प्लस लेना प्रिंसिपल एक्सिस के प्लस नीचे खत्म पता कोई कंफ्यूजन वाला बात है क्या नहीं याद क्या रखना डिस्टेंस कहां से अपना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है इंसिडेंटरे के डायरेक्शन में प्लस अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे खत्म बिल्कुल आसान है सुनो, आगे देखो देखिए इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे लिखना है इमेज डिस्टेंस किसे लिखना है वी फोकल लेंथ किसे लिखना है फोकस फोकस रेडियस सेंटर सी सही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ हाइट ऑफ और एक और मैग्नीफिकेशन क्या लिख रहे हैं इसको गे गे गे। ये सब नोटेशन है अब आपका मन फोकस को पी से लिखेंगे तो जाएगा। पी से तो पोल होता है तो जो आपको बताया गया वही आपको लिखना है आज जैसे डिस्टेंस नापना सिखाया वैसे नापना है इसको आप सिंपल आप तरीका से याद कर सकते हैं देखो जैसे ये मीटर था ना था आप इसको एक्स एक्स मान लो क्या मान लो तो इधर वाला प्लस एक्स इधर वाला इस इसको ओरिजिन मान लो पोल को क्या मान लो ऊपर प्लस वाई आ नीचे आ जो है वही लेना है इधर इधर ऊपर नीचे समझ में गया तो आज का क्लास यही छोड़ देते हैं डेरिवेशन अगला क्लास अब इसमें कुछ नहीं बाकी है तीन वो फॉर्मूला डिराइव कर देंगे खत्म हो जाएगा ठीक है आप इसको अच्छे से जाके एक बार देखिएगा अभी क्लास सुनो एक बार और जैसे क्लास में हम पढ़ा दिए आराम से बिल्कुल पढ़ाया गया अभी चीज का आप मान लो कि आपको लगता है कि सब कुछ तो आता है करना है एक बार जैसे एग्जाम है मान लो कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम बोले कि आपको कल रिफ्लेक्शन का टेस्ट है तो आप क्या करोगे आप यूट्यूब पे जाना वीडियो खोलो उसमें आप स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है होता है ना डेढ़ गुना कर लो 1.25 कर लो 1.75 कर लो टू टाइम्स कर लो दुगुना स्पीड तक बढ़ा सकते हो जितना स्पीड बढ़ाने के बाद आपको सुनाई क्लियरली देगा उतना स्पीड बढ़ा के आप इसको रिविजन आराम से कर सकते हैं बोलिए तो टेस्ट होगा पहले चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद ठीक है तो इतना आप कंप्लीट कीजिए